हमेशा चर्चा में रहने वाला कल्याणपुर स्थित सिटी हॉस्पिटल आज फिर चर्चा में। आपको बता दें कि बीते दिन युवती की मौत के बाद चर्चा में आए सिटी हॉस्पिटल की जांच हेतु पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। ऐसे में देखना होगा क्या मानक विहीन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का चलेगा हंटर। वहीं सूत्रों की माने तो क्लिनिक और ओपीडी लाइसेंस पे चल रहा या अवैध अस्पताल डॉक्टर चमन का स्वास्थ्य विभाग एवं प्रदेश सरकार में काफी दबदबा, जिस कारण नहीं होती इस अस्पताल पर कार्यवाही। आपको बताते चले कि कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के सामने राष्ट्रीय सरकरा संस्थान के बगल में सिटी हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल संचालित होता है। विगत कुछ दिन पूर्व एक युवती की मौत के बाद यह हॉस्पिटल चर्चा का केंद्र बना था। वह सिटी हॉस्पिटल के बोर्ड पर डॉक्टर चमन के साथ साथ दो अन्य डॉक्टरों का भी नाम अंकित है। ऐसे में देखना होगा कि संबंधित अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्यवाही करेगा, या स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और डॉक्टर चमन का दबदबा एवं साठ गांठ आएगी काम आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। सर, ये जो सिटी हॉस्पिटल का मामला चल रहा है, इस पर आज आप वहाँ गए भी थे, तो क्या सर इन पर क्या कार्रवाई? इसकी IGRS में कंप्लेंट थी इस हॉस्पिटल की। मैं आज चेक करने गया था, तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो मुझे मिले। वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर थे जो ड्यूटी पर थे, OPD भी देख रहे थे, और वहाँ पर जो स्टाफ जो रखा हुआ, एक पेशेंट एडमिट था वहाँ पर, और उनका जो उनका रिकॉर्ड देखा है, बाकी वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर, और रिन्यूअल के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो है मुझे कोई इस तरह का सीरियस मरीज नहीं मिला, क्योंकि उनको जो परमिशन दी गई है वो सिर्फ एक जनरल मेडिसिन के लिए सिर्फ परमिशन दी गई है। कोई ICU या सीरियस मरीज वगैरह वो नहीं रख सकते, अगर वो रखते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मैंने फिर भी उनको जो है इसी संबंध में नोटिस इशू किया है कि वो ICU या इस तरह कोई भी एक्टिविटी वगैरह ना करें, या ना ही कोई सर्जिकल केस वगैरह कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह के। कोई स्टेबल पेशेंट है, कोई फॉलोअप है, डे केयर टाइप का कोई है, वो अपना रख सकते हैं। Thank you.